Hello everyone, I am Praveen Sagar, the English coach. Welcome back to my channel. आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि नवरात्र स्पेशल में जो भी हम शब्द हिंदी में यूज़ करते हैं, जैसे कि कलश, कलश स्थापना, रुई की बाती, अगरबत्ती, धूप, ये हम अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, नारियल को हम कहते हैं कोकोनट, कोकोनट। नारियल फोड़ना कहलाता है कोकोनट बस्टिंग, कोकोनट बस्टिंग। जो कलश होता है उसको हम कहते हैं अर्न, अर्न। कलश स्थापना को हम अंग्रेजी में बोलेंगे अर्न इंस्टॉलेशन, अर्न इंस्टॉलेशन। जो रुई की बत्ती होती है जिसको दीपक में डाल के जलाते हैं, रुई की बत्ती को हम कहते हैं कॉटन विक, कॉटन विक। प्रसाद को हम बोलेंगे ऑफरिंग, ऑफरिंग। माला चढ़ाना होता है ऑफरिंग गार्लैंड, ऑफरिंग गार्लैंड। फूल चढ़ाना होगा ऑफरिंग फ्लावर्स, ऑफरिंग फ्लावर्स। शंख को हम कहते हैं कॉन्च, शंख कहलाता है कॉन्च। शंख बजाना को अंग्रेजी में बोलेंगे ब्लो द कॉन्च, ब्लो द कॉन्च। मूर्ति रखने का जो स्थान होता है उसे कहते हैं हम एल्टर, मूर्ति रखने का जो स्थान होता है उसे हम कहते हैं एल्टर। और मूर्ति को हम कहते हैं आइडल, आइडल। क्लियर। और अगरबत्ती को हम बोलेंगे इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती कहलाती है इंग्लिश में इंसेंस स्टिक। इसी तरह धूप, धूप जो हम जलाते हैं खुशबू के लिए उसको हम बोलेंगे इंसेंस, धूप को हम कहते हैं इंसेंस। अब पुजारी जो होता है उसे हम कहते हैं प्रीस्ट, पुजारी को हम कहते हैं प्रीस्ट। और साधु संत को हम अंग्रेजी में बोलेंगे मंक, मंक। 9 दिन के बाद या नवरात्र के समय जो जागरण होता है उसको अंग्रेजी में बोलेंगे विजिल, विजिल। नवरात्रों में डांडिया आप देख सकते हैं, डांडिया को हम कहते हैं इंग्लिश में स्टिक, स्टिक। और डांडिया खेलना होता है प्ले द स्टिक, प्ले द स्टिक। कथा जो होती है कथा को हम अंग्रेजी में कहते हैं रिसाइटल, रिसाइटल। जो भंडारा होता है या जिसे आप लंगर कहते हैं उसको हम अंग्रेजी में कहते हैं चैरिटी किचन, चैरिटी किचन। तो आज हमने सीखा कि पूजा पाठ से संबंधित जो शब्द होते हैं उनको हम अंग्रेजी में कैसे कहेंगे। इसी से संबंधित मेरा सेकंड वीडियो है जो इसका डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक में दे रखा है नीचे, आप वहां जाके इसका पार्ट सेकंड देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।